नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए टेक समाचार के फ्रेश एपिसोड में। तो जहां हम बात करने वाले हैं आज गर्मा गर्म न्यूज की और इन्फॉर्मेशन की, और आप लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, और फर्स्ट खबर जो आ रही है, पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है एमआई की तरफ से। जी हाँ, एमआई यहां पर 14 नवंबर को एक यहां पर पोलैंड में एक नया फोन लॉन्च करने वाला है, और अगर हम उसकी बात करें तो वो फोन होगा का एमआई का नोट 10। जी हाँ, एमआई नोट 10 लॉन्च होने वाला है। ज्यादा कुछ डिटेल यहां पे मैं नहीं दूंगा क्योंकि सेम चीज है ये, जो कि रेडमी का अगर माफ कीजिएगा एमआई का अगर CC9 की बात करें तो उसी का ये डिट्टो कॉपी होगा, जो कि 14 नवंबर को पोलैंड में लॉन्च होने वाला है। अगली खबर जो है वो है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल यहां पर अभी तक अपने ए सीरीज के उनके अपने खुद के चिपसेट्स होते थे, अभी अगर बात करें तो फिर यहां पर पहली बार क्वालकॉम का ये मॉडेम यूज करने वाला है एप्पल अपने नेक्स्ट आईफोन में। जी हाँ, तो अगला आईफोन जो आपको दिखेगा उसमें जो मॉडेम यूज होगा उसमें शायद आपको यहां पर क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कि उसमें और क्या क्या आएगा और अगला फोन क्या आता है, आईफोन क्या निकालता है, क्या वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि हर बार आईफोन कुछ ना कुछ हटके और कुछ अलग ही लाता है। रियलमी यूजर्स और रियलमी में माधव सेठ का नाम ना आए तो फिर बात ही नहीं बनती है। तो वहीं अगर बात करें तो रियलमी यहां पर एक अच्छी कंपनी उभर करके आ रही है, जो अपडेट्स के मामले में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और यहां पर वो अपडेट से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। रियलमी के हैंडसेट के बारे में अगर बात करें तो सिक्योरिटी पैचेस में भी काफी ज्यादा अप टू डेट रखा जाता है, और आपको यहां पर आपकी बात भी सुनी जाती है और आपके हिसाब से कस्टमाइजेशंस और नए फीचर्स भी ऐड किए जाते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो वहीं यहां पर रियलमी ने यहां पर अपना रोड मैप जो एंड्रॉयड 10 का है उसका यहां पर रोड मैप दे दिया है। नो डाउट काफी टाइम पहले दे दिया था, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर एक और रोड मैप यहां पर उन्होंने रोल आउट किया है। और अगर हम रोड मैप की बात करें तो यहां पर अभी उन्होंने Q1 जो फर्स्ट क्वार्टर होगा जनवरी से लेकर के मार्च तक का 2020 में, वहां रियलमी 5, रियलमी 5 प्रो, रियलमी 3 प्रो, रियलमी एक्स, ये सारे हैंडसेट्स को मिलेगा। पूरा रोड मैप आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना फोन को देख सकते हैं कि आपका फोन को कब मिलेगा अपडेट। तो ये एक खबर आ रही है, और आई बिलीव रियलमी इज डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। मोटोरोला ने यहाँ पे काफी टाइम पहले एक यहाँ पे स्मार्ट वॉच लॉन्च किया था, लेकिन स्मार्ट वॉच वो चला नहीं। तो अगर हम बात करें तो फिर यहां हम बात कर रहे हैं मोटो 360 की। जी हाँ, तो मोटो 360 का वापस से कमबैक हो रहा है, और अगर हम बात करें तो ये मोटोरोला की तरफ से नहीं आ रहा है। तो आप सोचेंगे किसकी तरफ से आ रहा है, तो ये आपको मैं बता दूं फटाफट कि ये मोटोरोला की तरफ से नहीं आ रहा है। मोटो 360 जो ये स्मार्ट वॉच जो आने वाला है, ये आने वाला है एक कंपनी है जो कि काफी टाइम से बताया जा रहा है कि 12-15 साल से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, और कंपनी का नाम है ई बाय नाउ। जी हाँ, ई बाय नाउ मोटो 360 को वापस से यहां पर रीलॉन्च करने वाला है। देखते हैं कि ये क्या धमाल मचाएगा और इसके स्पेक्स क्या होते हैं, प्राइसिंग क्या होती है, क्योंकि मैं मानता हूं कोई भी प्रोडक्ट को यहां पर आज के टाइम पे अगर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करना है और अच्छी खासी मार्केटिंग करनी है तो यहां पे दो चीजों पे ही वो चलती है। पहला कि आपका प्राइसिंग क्या है, और दूसरा स्पेक्स। बाकी आपको यहां पर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका स्पेक्स अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी, इन शॉर्ट वो सारी चीजें उसी में आ जाएंगी। और अगर आपका प्राइसिंग सही है, प्रॉमिसिंग प्राइसिंग है, तो डेफिनेटली आप मार्केट में सस्टेन करेंगे और एग्जिस्ट करेंगे। रियलमी इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। यहां ओप्पो, वीवो, इतने सारे कंपनीज आए, ये एडवर्टीजमेंट के बल पे ही जिंदा है। वहीं अगर मैं रियलमी की बात करूं तो शायद बहुत ही कम अब वो एडवर्टीजमेंट शुरू किए हैं, पहले नहीं था, और यहां पर वो अच्छा खासा एग्जिस्टेंस उनका मार्केट में है। तो प्राइसिंग और प्रॉमिसिंग स्पेसिफिकेशन और अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ये चीजें मैटर करती है। आपके क्या सुझाव है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मोटो 360 आपको जल्द देखने को मिलेगा स्मार्ट वॉच ई बाय नाउ की तरफ से। शाओमी का क्राउड फंडिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो क्राउड फंडिंग में शाओमी यहां पर एक और लेकर के आया है, मी स्मार्ट बेड लैंप 2। जी हां, तो ये क्राउड फंडिंग में अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं कुछ 2300 रुपए में, 1 रुपए कम की प्राइसिंग रखी गई है। तो यहां पर बेड साइड लाइट के मामले में यहां पे मी की तरफ से एक और प्रोडक्ट हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए सिर्फ क्राउड फंडिंग से ही उपलब्ध है। बहुत सारी खबरें हैं, रेडमी की तरफ से एक और आ रही है खबर। रेडमी का यहां पे नोट 8T आपको देखने को मिलने वाला है। र्यूमर वही था कि रेडमी अब कोई नोट सीरीज नहीं आने वाला है, नोट सीरीज बंद करने वाला है, लेकिन यहां पर एक और यहां पर हैंडसेट देखने को मिल रहा है, रेडमी का नोट 8T आपको देखने को मिलेगा। ये चिपसेट, इसके पूरे थोड़े बहुत स्पेक्स यहां पे लीक आउट हुए हैं, इन्फॉर्मेशन अगर हम जानकारी की बात करें तो यहां पर 18 वॉट तक का यहां पे सपोर्ट करेगा चार्जिंग, प्लस यहां पे कुछ NFC वगैरह भी दिया गया है,
और Redmi Note 8 जो आपका था वही सेम टू सेम डिजाइन होने वाला है जहां तक उम्मीद और जो लीक्स बता रही है। तो यहां पे एडिशनल एक NFC आपको देखने को मिलने वाला है, बाकी और क्या स्पेक्स होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी Redmi का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आदत सी हो गई है कि एक ही फोन को अलग अलग तरीके से वो निकालते हैं, अलग अलग नाम देके, किसी का कलर कुछ और देते हैं, किसी का कलर कुछ और दे देते हैं, किसी में टाइप सी देते हैं तो किसी में टाइप सी नहीं देते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, उसके हिसाब से मुझे भी आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और आप क्या सोचते हैं इन आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये तो रहा आज का टेक समाचार, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।